स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और इस पर और प्रॉब्लम्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. बट आज हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट एलिमिनेशन बाय सेकेंड ऑर्डर और E2 रिएक्शन. ठीक है, तो E2 रिएक्शन की हम बात करते हैं आज. तो कई बार क्या होता है, जैसे ये है सबस्ट्रेट अल्काइल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है और यहाँ लीविंग ग्रुप है, लेट्स से Cl. तो कई बार क्या होता है, जैसे ये अल्फा पर है लीविंग ग्रुप और बीटा पर H है, और हम इसकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करा दें एंड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या होगा, जो अगर बेस स्ट्रांग है, तो बेस क्या होते हैं, हमने डिस्कस भी किया था, बेस का काम होता है प्रोटॉन निकालना, ठीक है, और प्रोटॉन कहां से निकाले जाते हैं एलिमिनेशन में, बीटा कार्बन से, ठीक है. तो ऐसा हो सकता है कि जो बेस है वो हो स्ट्रांग, ठीक है, और यहां पर जो हाइड्रोजन एटम पड़ा हुआ है बीटा पर, इसको एलिमिनेट करे, ठीक है. तो यहां पर आप जानते हो कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड जब पोलराइज होगा तो इस पर डेल्टा प्लस और इस पर डेल्टा माइनस आएगा. एट द सेम टाइम ये जो बेस है ये यहां से एच प्लस निकालने की कोशिश करेगा. तो ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर ये जो एच है ये बेस अपने साथ निकाल करके ले जा रहा होगा, और ऐसी सिचुएशन में यहां पर पार्शियल बॉन्ड आ जाएगा. अब क्योंकि ये डेल्टा मतलब H प्लस के फॉर्म में जा रहा है, तो इस पर क्या आएगा, जैसे जैसे बॉन्ड टूटेगा माइनस आने लगेगा, ठीक है. तो क्योंकि H प्लस के फॉर्म में जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ आएंगे, इससे इस पर माइनस आने लगेगा, ठीक है. और क्लोरीन जो है लीविंग ग्रुप की तरह जा रहा है तो इस पर आने लगेगा डेल्टा प्लस, और इन दोनों के बीच में डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, ठीक है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आने लगेगा, ठीक है. तो इन दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आने लगेगा. तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं टीएस और ट्रांजिशन स्टेट. टीएस और ट्रांजिशन स्टेट. तो ट्रांजिशन स्टेट इज बेसिकली अंडर डेवलप्ड एल्कीन, ठीक है. ट्रांजिशन स्टेट क्या है, इट इज अंडर डेवलप्ड एल्कीन, और इसको क्या कहा जाता है, इनसीपिएंट एल्कीन, या बेबी अल्कीन भी कहते हैं इसको. मतलब ये वो अल्कीन है जो बनने वाला है, ठीक है, बना नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेबी अल्कीन, ठीक है. इसके बाद क्या होगा, अल्फा के और बीटा के बीच में तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एच प्लस से बी की रिएक्शन होगी, एच बी सी एल माइनस लिविंग ग्रुप के फॉर्म में चला जाएगा, और अल्फा और बीटा दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, अल्कीन बन जाएगा. तो इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं ये कब होंगी, बेस जो है यहां पर भी तो आके अटैक कर सकता था, सब्स्टिट्यूशन भी तो कर सकता था, इसको हटा दे, तो यहां पर अगर अटैक करेगा बेस तो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा. लेकिन अगर बेस क्राउडेड है या बहुत स्ट्रांग है तो ये एच प्लस निकाल सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं हो सकता. तो इस तरीके का इंसिपिएंट अल्कीन इसमें बनेगा, जिसमें एच और बी के बीच में पार्शियल बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल बॉन्ड, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और इसके बाद एच बी और सी एल माइनस चला जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, ठीक है. तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी रिएक्शंस में अगर अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो आप जानते हो कि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, मतलब ये आपस में रिएक्शन हुए, ट्रांजिशन स्टेट बनी और प्रोडक्ट बन गया, ठीक है. तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, या मैं बोल सकता हूं इट इज ए वन स्टेप प्रोसेस, वन स्टेप प्रोसेस. दूसरी बात, अगर ये वन स्टेप है तो रेट लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, एंड लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स रेट विल बी इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. तो इन दोनों की पावर 1:1 है, और अगर 1:1 है तो ओवरऑल जो ऑर्डर होगा इसका वो हो जाएगा 2, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, E2 एलिमिनेशन बाय सेकेंड ऑर्डर, ठीक है. तो ये E2 का मतलब ये है
ये टू है, टू मतलब इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, वन प्लस वन, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है, टू है, एलिमिनेशन सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस में नो कार्ब केटायन, क्योंकि कार्ब केटायन कोई इंटरमीडिएट है और इसमें इंटरमीडिएट बनता ही नहीं, ट्रांजिशन स्टेट होती है और रिएक्शन हो जाती है, तो कार्ब केटायन बनता नहीं, नो कार्ब केटायन। और अगर कार्ब केटायन नहीं बनता है देन नो रीअरेंजमेंट, तो कार्ब केटायन नहीं है और कार्ब केटायन का रीअरेंजमेंट भी नहीं है, ठीक है। बट यस, इस तरह की रिएक्शंस में क्या होता है, अल्कीन इज फॉर्म्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं अंडर डेवलप्ड अल्कीन इज फॉर्म्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। सो रेट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, एंड एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट हैज अल्कीन कैरेक्टर, तो मैं ये भी बोल सकता हूं इट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे अगर मेरे पास में यहां पर होता CH3 और Cl, CH3 CH Cl और CH3 और ये होता, तो हमारे पास तीन अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। जब हम रिएक्शन को कराते हैं तो ये अल्फा और लेट्स से ये बीटा होता, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आता, अल्फा से जाता है लिविंग ग्रुप, बीटा से जाता है हाइड्रोजन, और जो ए मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल है, सी मॉलिक्यूल है, तो ए मॉलिक्यूल से जो बनने वाला अल्कीन है, ठीक है, वो ये हो जाता। और बी मॉलिक्यूल से बनने वाला अल्कीन ये हो जाता, और सी मॉलिक्यूल से बनने वाला अल्कीन ये हो जाता, भाई अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो सबसे स्टेबल ए है और इसलिए रेट ए का सबसे ज्यादा होगा। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए भाई रेट ऑफ ई टू, रेट ऑफ ई टू, तो फास्टेस्ट होगा ए का, फिर बी का और फिर सी का, ठीक है। यहां मैं ऑर्डर लिख देता हूं, ए का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर सी का। तो जितना स्टेबल अल्कीन बनेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। अब देखो ये एस एन टू रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा आ रहा है, एस एन टू रिएक्शन में हम अल्फा कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, जितना कम होगा उतना फास्ट, इसमें सबसे कम है सी में, इसमें एस एन टू सबसे फास्ट होगा, इसमें एस एन टू स्लो हो जाएगा, इसमें एस एन टू और स्लो हो जाएगा, जबकि ई टू में हम स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देखते हैं, तो अल्कीन सबसे स्टेबल ये बना रहा है ए फास्टेस्ट, फिर ये बी हो जाएगा सेकेंड, फिर ये सी हो जाएगा थर्ड। तो एस एन टू और ई टू का जो ऑर्डर आ रहा है बिल्कुल अलग अलग आ रहा है, ठीक है। एस एन टू में हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन द कार्बन एटम, जबकि ई टू में हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ वॉट, अल्कीन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, मान लो ये दिया जाता है आपको, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो इन दोनों में अगर हमको कंपेयर करना है, एक काम करते हैं थोड़ा और चेंज करते हैं इसको, इन दोनों में हमको कंपेयर करना है रेट ऑफ ई टू, ठीक है, रेट ऑफ ई टू, तो किसका ज्यादा होगा। जैसे यहां अगर अपन देखें तो मैं समझता हूं कि इसमें से इसको हम अल्फा ले लें और इसको हम बीटा ले सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, और ऐसा करने पर हमको जो अल्कीन मिलेगा वो ज्यादा स्टेबल मिलेगा, और इसको हम अल्फा ले लें, इसको हम बीटा ले लें, ऐसा करने पर अल्कीन हमको मिलेगा ज्यादा स्टेबल होगा। बट इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इसमें देखो 3 + 2 + 2 7 अल्फा एच है, इसमें देखो 3 + 1 = 4 α H है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये फर्स्ट वाला, और इसलिए रेट ऑफ ई टू इसी का ज्यादा होगा, ठीक है। तो ई टू रिएक्शन का रेट कब ज्यादा होगा, जब अल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जितना स्टेबल अल्कीन होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। तो ये बात है ई टू रिएक्शन के लिए, इसमें कार्ब केटायन बनता नहीं है, कार्ब केटायन का रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता है, ठीक है, कार्ब केटायन पार्शियल बनते हैं, ऐसे में कभी भी रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस हम इस पर करते हैं,
ओके, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए इन दोनों में किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं कि जो सेकंड मतलब फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है इससे बनने वाला जो अल्कीन होगा दैट विल बी लाइक दिस, ये अल्फा और ये बीटा, और इससे बनने वाला जो अल्कीन होगा दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं इसमें अल्फा एच होंगे 10 और इसमें अल्फा एच होंगे 3, तो ज्यादा स्टेबल होगा इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये दिया जाए क्वेश्चन में, ठीक है, अब आपसे पूछा जाए किसका रेट ऑफ E2 रिएक्शन फास्ट है, ठीक है, तो E2 रिएक्शन का रेट किसका फास्ट है, मैं देख रहा हूं इसमें ये अल्फा हो जाएगा ये बीटा हो जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये आंसर आ जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड डबल बॉन्ड है ये, कॉन्जुगेटेड है, और यहां पर अगर देखोगे ये अल्फा होगा ये बीटा होगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो जरूर, लेकिन नॉन कॉन्जुगेटेड होगा, जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन बना रहा है इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसका फास्ट होगा, ठीक है। ओके, और क्वेश्चंस देखते हैं हम। मान लीजिए इन दोनों का रेट कंपेयर कराया जाए, ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं बेटा कि इसके अंदर ये टर्शरी है और ये है 2 डिग्री, तो इसी का रेट ज्यादा होगा, मोर क्राउडेड होगा या मोर अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड होगा तो रेट फास्ट होगा। और दूसरा तरीका ये है, आप अल्कीन बना करके देख भी लीजिए, इसको मैंने अल्फा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इसको मैंने अल्फा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ओके, और देखते हैं हम क्वेश्चंस। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ठीक है, और इंटरमीडिएट। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया जाए, अब आपको बताना है कि रेट ऑफ E2 रिएक्शन किसका फास्ट होगा, ठीक है, तो देख पा रहा हूं कि भाई ये टर्शरी है और ये क्या है 1 डिग्री है, तो इसी का रेट फास्ट होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी देख लो आप, अगर आप एलिमिनेशन कराएंगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और यहां अगर आप एलिमिनेशन कराएंगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल अल्कीन है और इसीलिए इसका रेट फास्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हुई अल्काइल ग्रुप की, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, लीविंग ग्रुप, तो हम बात करते हैं लीविंग ग्रुप की, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें लीविंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे लेकर के चला जाता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे लेकर के चला जाता है तो क्या होगा, ये जितना वीक बेस होगा उतना ही अच्छा ये क्या होगा, लीविंग ग्रुप होगा। जैसे मान लो ये दिया जाता है आपको, ठीक है, और अगर हमने इसकी रिएक्शन कराई किसी स्ट्रांग बेस के साथ एट हाई टेम्परेचर, तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है लीविंग ग्रुप का, बस यहां से चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के चला जाएगा, ठीक है, तो जितना ये वीक बेस होगा, भाई होगा क्या, इसके अंदर जो बेस है वो यहां से H प्लस निकालेगा बीटा से, और अल्फा से क्या होगा, लीविंग ग्रुप जाएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड आएगा बीच में, तो बेस जो होगा H प्लस निकालेगा, यहां बन जाएगा HB और यहां पर आ जाएगा अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा। तो इसका पर्पस क्या है भाई, ये सिर्फ लीविंग ग्रुप की तरह यहां से जा रहा है, जितना वीक बेस है उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू बेस स्ट्रेंथ, ठीक है, आप जानते हो कि लिविंग ग्रुप
एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ. तो जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा और उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट भी होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अपन रेट ऑफ E2 की बात करते हैं तो हम इस तरीके से कंपेयर करें. मान लीजिए यहाँ F है, फ्लोरीन ग्रुप है, यहाँ क्लोरीन ग्रुप है, यहाँ ब्रोमीन ग्रुप है, यहाँ आयोडीन ग्रुप है. तो इफ़ वी कंपेयर द रेट ऑफ E2, ठीक है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी के अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा. ठीक है, दिस शुड बी द आंसर फॉर लिविंग ग्रुप एबिलिटी. या मान लीजिए कभी क्वेश्चन ऐसा दिया जाए OMS, या मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाए O, ठीक है, SO2 CH3, SO2 CF3. तो आप लोग जानते हो कि इन दोनों में से ये बेटर लिविंग ग्रुप है और ये बेटर लिविंग ग्रुप है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा. ठीक है, तो ये टेंडेंसी जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी ये देख रहे हो आप लोग, सारे ही रिएक्शंस में सेम ही आ रही है. SN1 हो, SN2 हो, E1 हो, E2 हो, सबके लिए सेम ही है ये. जितना वीक बेस उतना ही क्या होगा, इजीली लीव करेगा रिएक्शन. SN1 हो, SN2 हो, E1 हो, E2 हो, सारी फास्ट होंगी. ठीक है, और लिविंग ग्रुप के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इनफैक्ट सारे ही मैकेनिज्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं, SN1, SN2, E1, E2, तो लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं और सबके लिए सेम ही आ रही है. ठीक है, तो लिविंग ग्रुप जितना बढ़िया होगा, जितना वीक बेस होगा, उतना ही क्या होगा, आसानी से लीव करेगा और उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा. और हम हैलोजन डेरिवेटिव टॉपिक में पढ़ी इसलिए रहे बिकॉज आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन आर गुड लिविंग ग्रुप्स, फ्लोरीन इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप. इनफैक्ट ये रिएक्शन E2 भी शो नहीं करता है. ठीक है, तो मतलब ये खास बात है कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड अगर है तो ना SN1 होगा, ना SN2 होगा, ना E1 होगा, ना E2 होगा. तो ये खास स्पेशल रिएक्शन फ्लोरीन की होती है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे. बट जो हमने अब तक पढ़ी है SN1, SN2, E1, E2, इनमें से कोई भी रिएक्शन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड होने पर नहीं होती है. ठीक है, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया और सबस्ट्रेट के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि ऐसा सबस्ट्रेट हो जिससे क्या हो, ज्यादा ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो, जिससे ज्यादा स्टेबल अल्कीन बने, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं. जैसे यहां पे भी हम देख रहे हैं जो सबस्ट्रेट मैंने लिया है वो टर्शरी लिया जानबूझ करके, और इससे क्या होगा, स्टेबल अल्कीन बनेगा. तो सबस्ट्रेट होना चाहिए स्टेरिकली क्राउडेड और लिविंग ग्रुप होना चाहिए वीक बेस, तब रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है. ठीक है, तो लिविंग ग्रुप के बारे में हमने बात की, इट शुड बी वीक बेस गुड लिविंग ग्रुप एंड सबस्ट्रेट शुड बी स्टेरिकली क्राउडेड. ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए इसको. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि बेस क्या होना चाहिए. बार बार मैं एरो के ऊपर B- बना देता हूं और उस पर डेल्टा साइन लगा देता हूं. इसका क्या मतलब है भाई, डेल्टा क्यों? देखो, अगर हम एक जनरल बात करें कि लिविंग ग्रुप यहां से जाएगा और CH बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और ये रिएक्शन होगी किसी स्ट्रांग बेस की प्रेजेंस में एट हाई टेम्परेचर, तो इससे क्या हो रहा है, अगर अपन डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते हैं तो अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, नो रीअरेंजमेंट, नो कार्बन कैटायन, बेस जो है H+ को निकाल ले रहा है और लिविंग ग्रुप बाहर हो जा रहा है. इफेक्टिवली देखो आप, इसमें एक सिग्मा ब्रेक हो रहा है, एक सिग्मा ब्रेक हो रहा है, मतलब दो सिग्मा ब्रेक हो रहा है और एक पाई बन रहा है और एक सिग्मा बन रहा है. इसका मतलब ज्यादा स्टेबल बॉन्ड तो हो रहे हैं ब्रेक और लेस स्टेबल जो बॉन्ड है वो बन रहे हैं. मतलब ऐसी रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक. और एंडोथर्मिक होने के कारण क्या हो रहा है, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो. बट एक पार्टिकल के दो टुकड़े हो जा रहे हैं और ऐसा होने पर क्या होगा, डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन जीरो, एंट्रोपी बढ़ेगी. और एंट्रोपी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी. कब? जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा. एवरी रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन द चेंज इन फ्री एनर्जी इज व्हाट, नेगेटिव. ये माइनस होना जरूरी है, जबकि ये एंडोथर्मिक है तो ये प्लस है, एंट्रोपी बढ़ रही है तो ये भी प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस. और ये वाला फैक्टर अगर बढ़ेगा तब ये नेगेटिव होगा. तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ये फैक्टर बढ़ता है, माइनस वाला फैक्टर बढ़ता है तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है. मैं ये बोल सकता हूं कि रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर.
एट हाई टेम्परेचर द रिएक्शंस आर व्हाट? स्पॉन्टेनियस. सो रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव एंड इट इज पॉसिबल फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई बिकॉज दिस फैक्टर विल इंक्रीज. And such type of reactions are possible or feasible because of the increase in entropy. Entropy-driven process है ये क्या है? Entropy की वजह से spontaneous. इसलिए मैं बार-बार ये delta sign लगा देता हूँ. तो delta sign ये represent करता है कि we need high temperature or heating to carry out reaction because such type of reactions are possible when the entropy is increased. ठीक है, तो एंथैल्पी फैक्टर इसको spontaneous नहीं बना रहा क्योंकि एंथैल्पी चेंज तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव कभी भी डेल्टा जी को नेगेटिव बना नहीं सकता है. ठीक है, सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर पॉसिबल ओनली एट हाई टेम्परेचर. ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस आर, एलिमिनेशन रिएक्शंस आर फिजिबल और पॉसिबल और स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर. ये खास बात है. ठीक है, दूसरी बात हम बात करें कि बी माइनस क्या है, बेस है ये. मैंने आपको पहले भी बताया था देर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए बेस एंड ए न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, यूजुअली कार्बन एटम के साथ. लेकिन बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन निकाल लेते हैं, और यहां पे बीटा कार्बन से प्रोटॉन ही तो निकाल रहा है बेस. तो अगर मान लो कि भाई बीटा कार्बन से H निकालना है, जैसे मान लो यहां पर है लीविंग ग्रुप, ये अल्फा ये बीटा, तो बेस का काम क्या है भाई? बीटा कार्बन से H प्लस निकालना. और अल्केन वैसे ही बहुत वीक एसिड होते हैं, सो इन ऑर्डर टू उखाड़ो दिस प्रोटॉन और H प्लस वी नीड ए वेरी वेरी स्ट्रांग बेस. एंड बेस की क्वालिटी होनी चाहिए कि ये H प्लस को आसानी से निकाल पाए. एंड वी नीड वॉट? वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, और ये ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए बेस को यहां से H प्लस को निकालना पड़ेगा. सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नॉट फेवरेबल विद ए वीक न्यूक्लियोफाइल लाइक E1 और SN1 रिएक्शन. E1 और SN1 में तो क्या है, वो वेट करते रहते हैं कार्ब केटायन का बनने का, तो उसके लिए हमें वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए. लेकिन हमें यहां पर एग्रेसिव बेस चाहिए जो कि प्रोटॉन को उखाड़ के निकाल लें. एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर रिक्वायर्ड फॉर E2 रिएक्शन. स्ट्रॉन्ग बेसिस आर रिक्वायर्ड फॉर E2 रिएक्शन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस जो ये रिएक्शन को काम में मतलब ये यूज होते हैं दे आर अल्कोहलिक KOH. ठीक है, ध्यान रखना एक्वस KOH जब होगा तो दिमाग में आना चाहिए SN2, और अल्कोहलिक KOH अगर है तो दिमाग में आना चाहिए E2 बिकॉज अल्कोहलिक KOH इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन एक्वस KOH. ठीक है, अल्कोहलिक KOH मतलब KOH और अल्कोहल, तो इसमें क्या होगा K+ और OH- बनेगा. OH- इज द बेस. एक तो क्या होगा कि अल्कोहल में इसका सॉल्वेशन कम होगा, और दूसरी बात यह है अल्कोहल के साथ अगर इसकी रिएक्शन हुई तो यह बना लेगा H2 और RO-, एंड RO- इज अगेन ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस क्योंकि R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट इसमें लगेगा, और O की क्या होगी नेगेटिव चार्ज O पर बढ़ जाएगा और बेस स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. तो पहली चीज, अल्कोहल में अगर KOH मिलाते हैं तो OH- का सॉल्वेशन कम होता है और इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है. दूसरा, अगर आपस में रिएक्शन भी कर जाते हैं तो H2 और RO- बनता है. RO- इज अगेन ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए जब एक्वस KOH आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि SN2 की डायरेक्शन में हमें सोचना है, और अल्कोहलिक KOH अगर आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें सोचना है E2 की डायरेक्शन में. ठीक है, तो अकेला अल्कोहलिक KOH नहीं है जो काम में लिया जाता है, NaNH2 इन अमोनिया. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जैसे अपन क्या करते हैं, जो सॉल्ट लिया हमने तो सॉल्ट है NaNH2, टूटेगा किस में? NH2- और Na+ में. अब NH2- अगर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जाए अमोनिया के साथ तो क्या होगा?
इसने अगर एनएच टू माइनस ने यहाँ से एच प्लस निकाला तो फिर से अमोनिया बन जाएगा, इसने एच प्लस छोड़ा तो फिर एनएच टू माइनस बन जाएगा। मतलब इफेक्टिवली देखा जाए कि ये प्रोटॉन गेन कर ले इसमें से, तो ये अमोनिया बना ले रहा है और ये प्रोटॉन लूज करके एनएच टू माइनस बना ले रहा है, दैट मीन्स देर इज इफेक्टिवली नो चेंज। ये मॉलिक्यूल प्रोटॉन लूज करके एनएच टू माइनस और ये गेन करके अमोनिया बना ले रहा है। सो ऐसे कॉम्बिनेशंस लिए जाते हैं ताकि अगर ये आपस में रिएक्शन कर भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े। तो NaNH2 एंड अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड, सोडियम मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने आपको बताया कि जो बेस है उसमें H लगा दो, उसी को सॉल्वेंट लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर ये आपस में रिएक्शन भी कर जाए, जैसे CH3O- है, CH3OH आपस में रिएक्शन कर जाए, तो लेफ्ट वाला प्रोटॉन गेन करके क्या बना ले CH3OH, और राइट वाला लूज करके क्या बना ले CH3O-। सो देर इज नो चेंज इफेक्टिवली, ये हम चाहते हैं। ठीक है, इन जनरल एनी अल्कोक्साइड एंड ROH कैन बी टेकन। ठीक है, तो ये अल्कोक्साइड और अल्कोहल ले सकते हैं। ठीक है, कुछ काफी इंपॉर्टेंट बेसेस होते हैं जो स्टेरिकली हिंडर्ड होते हैं, जैसे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो मैंने आपको बताया भी था कि ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। और ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसेस हैं जो E2 रिएक्शन कराने के काम में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और है LDA। सो LDA ये होता है, तो इसको बोलते हैं लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ठीक है, LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ठीक है, LDA ये भी बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें भी बहुत ज्यादा क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक है, बाकी सारे जो बेसिस हमने लिए हैं उनमें इतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं, बट वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट E2 रिएक्शन, बिकॉज बेस में क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ये प्रोटॉन यहाँ से निकाल पाएगा। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं इनको हम ये बोल सकते हैं दे आर डी हाइड्रोहैलोजनेशन। और मैंने आपको बताया कि टर्शरी अगर लेते हैं तो सबसे बढ़िया है, अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ज़्यादा क्राउडेड, गुड लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी फेवरेबल कंडीशंस हैं E2 मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, अब जैसे मैं इस पर रिएक्शन कराता हूँ तो बेस के पास तो भाई चॉइस है, और चॉइस ये है कि एक तो ये है अल्फा जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक बीटा है, तो यहाँ से H प्लस निकल जाए और यहाँ क्या बन जाएगा CH3OH, और अल्फा के और बीटा के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। सो दिस इज द वन पॉसिबिलिटी, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, और एक अल्किन ये बन सकता है। अब अपन ये पूरा मैकेनिज्म लिखने की जगह पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, कैसे डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा के और बीटा के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आंसर आ जाएगा। और बाकी तो खैर जो प्रोडक्ट है वो कॉमन है, बेस H प्लस निकालेगा तो CH3OH बन जाएगा, लिविंग ग्रुप जाएगा तो Cl- बन जाएगा, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अनदर पॉसिबिलिटी इज कि जो बेस है CH3O- ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहां से H प्लस निकाल लें, और अगर ऐसा होता है तो
मान लो ये यहाँ से H प्लस निकालता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के लीविंग ग्रुप चला जाएगा, तो इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फा बीटा के बीच में, ठीक है। और ऐसा होने पर ये एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये दूसरा प्रोडक्ट है, एक तो अल्कीन बन गया लेफ्ट साइड से अपन ने एच निकाला, एक अल्कीन बन गया जिसमें हमने राइट साइड से एच निकाला, और ये आंसर आ गया। सो ऑफ दीज टू पॉसिबिलिटीज व्हाट शुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, क्या होना चाहिए, ठीक है, और सी एल माइनस भी। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि दो अल्कीन बने हैं, राइट वाले अल्कीन में अल्फा एच 9 है और लेफ्ट वाले में अल्कीन में अल्फा एच 5 है। ज्यादा स्टेबल है ये, मोर स्टेबल, और ये रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा, मोर स्टेबल एंड दिस शुड बी व्हाट द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और जो मेजर प्रोडक्ट होता है या मोर स्टेबल होता है उसको बोलते हैं सेडजेफ अल्कीन, और जो माइनर प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं हॉफमैन अल्कीन, जैसा अपन ने इवन रिएक्शन जब डिस्कस किया था तब भी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो सेडजेफ जो ज्यादा स्टेबल और हॉफमैन जो लेस स्टेबल। अगर मान लीजिए कि हमें और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएं, जैसे मान लो ये दिया जाता है, यहां पर हम लीविंग ग्रुप ले लेते हैं ब्रोमीन, रिएक्शन विथ KOH अल्कोहलिक एंड हीटिंग, तो मैं देख पा रहा हूं कि दिस इज ऑल्सो ए परफेक्ट कंडीशन फॉर E2 रिएक्शन। यहां पर अगर आप देखोगे अल्फा से लीविंग ग्रुप जुटा रहेगा, बीटा से एच, बीटा से एच, ठीक है, तो जो OH माइनस है ये बीटा से एच प्लस निकालेगा, तो एक आंसर तो ये आ सकता है, या इस बीटा से एच निकालता है तो एक आंसर ये भी आ सकता है। एंड ऑफ दीज टू पॉसिबिलिटीज ये रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसमें अल्फा एच होंगे 3+2+5+2 7 और इसमें अल्फा एच होंगे 4, और इसको क्या बोलेंगे हम, मेजर प्रोडक्ट, या क्या बोलेंगे, सेडजेफ अल्कीन, ठीक है, और ये होगा हॉफमैन अल्कीन। ओके, जैसे और क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, तो इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं अल्कोहलिक KOH से हीटिंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, और ये भी बीटा हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फा और बीटा के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, एंड अनदर पॉसिबिलिटी इज दिस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3+3 6+2 8+2 10, अल्फा एच 10 मोर स्टेबल, और इसमें आ जाएगा 3+1 अल्फा एच 4, दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड दिस शुड बी द माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, देख लीजिए एक बार, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो हाइड्रोहैलोजनेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीटा से जा रहा है एच और अल्फा से जा रहा है ये हैलोजन, तो एक हाइड्रोजन एक हैलोजन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डीहाइड्रोहैलोजनेशन, ठीक है। अब इसमें कुछ खास बातें हैं, मैं ऐसा करता हूँ एक दो चीज़ें और हैं जो समझाने की, करने के बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने 3 डिग्री कार्बन पर ब्रोमीन लगाया, गुड लीविंग ग्रुप हो गया और स्टेरिकली क्राउडेड सबस्ट्रेट हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया, और इस पर मैंने रिएक्शन करा देनी है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और टर्शरी ब्यूटेनॉल की हीटिंग। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि जो बेस है वो यहां से H+ निकाल लें
और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो बेस है यहाँ से एच प्लस निकाल लें, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये जो बेस है इसमें खुद बहुत ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है, तीन तीन मिथाइल ग्रुप है, पूरा गांव लेके चल रहा है ये, और इसके लिए क्या होगा, इस कार्बन से एच निकालना मुश्किल होगा क्योंकि ये आपस में मिथाइल के साथ रिपेल करेंगे, और इस डायरेक्शन से एच निकालना इजी होगा क्योंकि यहां पर जो रिपल्शन है वो होगा नहीं, कोई अल्काइल ग्रुप यहां पे नहीं है, और इसलिए मैं बोल सकता हूं कि भाई जहां लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है वहां से आप एच प्लस निकालिए, ठीक है। और ये आंसर बना लीजिए, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड OH अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड और CH2CH3, और यहां से Br- लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, दैट्स इट। तो ऑफ द टू पॉसिबल प्रोडक्ट, लेफ्ट वाला जो कि हॉफमैन है, राइट वाला जो कि सेटजेफ है, तो ऐसी रिएक्शन में लेफ्ट वाला मेजर बन रहा है, और लेफ्ट वाला मेजर बन रहा है मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। जो लेफ्ट वाला प्रोडक्ट है, लेफ्ट वाला बीटा है, यहां से एच प्लस आसानी से निकल पा रहा है और ये मेजर प्रोडक्ट बना रहा है, एक्चुअली ये मेजर है और ये हॉफमैन भी है, तो हॉफमैन अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, ये खास बात है इसमें, ठीक है। और जो सेटजेफ अल्कीन है वो इस रिएक्शन का क्या है, माइनर प्रोडक्ट, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट सेटजेफ। तो ये खास बात है कि अगर हम स्टेरिकली हिंडर्ड बेस लेते हैं तो क्या होगा, हॉफमैन अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा और सेटजेफ अल्कीन माइनर बनेगा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहां से हम एच प्लस को निकालेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पर, जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहता, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम कराते टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से या उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गली क्राउडेड बेस से, तो हम देख पा रहे हैं कि भाई बेस तो स्ट्रांग है बट स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, इसको मैंने लिया अल्फा, इसको लिया बीटा, इसको लिया बीटा, बीटा वन बीटा टू, लेकिन ये कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला बीटा है, और इससे रिएक्शन का क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। सिंगल करेक्ट अगर क्वेश्चन है तो यही आंसर लिखिए, मल्टीपल करेक्ट होते हैं तो आंसर हम ये दोनों दे सकते हैं, बट सिंगल करेक्ट है तो दिस इज द ओनली आंसर बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। सो दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन अल्कीन इज फॉर्मड एज मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन अल्कीन इज फॉर्मड एज मेजर प्रोडक्ट इफ स्टेरिकली हिंडर्ड बेसिस आर यूज्ड। या जैसे मान लो यहां पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर मान लो कि यहां पर रहता, यहां बी आर ले लिया मैंने, ठीक है, और एल डी ए ले लिया, अभी मैंने बताया था आपको एल डी ए, सो एल डी ए इज ऑल्सो ए वेरी वेरी स्टेरिकली क्राउडेड बेस, ठीक है। मैंने बताया था अभी इसको ऐसे बोलते हैं हम, लिथियम डाया इसोप्रोपाइल अमाइड, तो ये भी बेस है, स्ट्रांग है बट स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो इसको हम अल्फा ले लें, इसको ले लें बीटा, ये और ये एक जैसे हैं, एक और बीटा है ये, बट यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और यहीं से रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और ये आंसर इसका आना चाहिए, दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड दिस इज सपोज टू बी द माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कॉपी कर लीजिए। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये आप लोग अटेम्प्ट करें।
सो ऑल दीज रिएक्शंस आर डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर ई टू. ठीक है, तो आपको सारे प्रोडक्ट लिखने हैं और ये भी बताना है कि मेजर प्रोडक्ट रिएक्शन का कौन सा है. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करें आप लोग. ओके, तो ये क्वेश्चंस आप एक एक करके और अटेम्प्ट करें, देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए इन सबको. ओके, क्वेश्चन नंबर वन में देखो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें कुछ और एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कुछ सोचने वाली जरूरत है नहीं इसमें. इसको मैं अल्फा ले लूं और इन दोनों में से किसी को भी बीटा ले सकता हूं क्योंकि दोनों आइडेंटिकली लोकेटेड हैं. ठीक है, और मैं देख पा रहा हूं कि इसमें क्या होगा, अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन होगी. स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस इस बीटा कार्बन से H प्लस निकालेगा और अल्फा से लीविंग ग्रुप जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या आएगा H2 प्लस KBr. ठीक है, ये आंसर हम लिख सकते हैं. द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन E2 रिएक्शन. यहाँ पर देखो चॉइस दे दी मैंने, एक CH बॉन्ड को ब्रेक करने की, एक CD बॉन्ड को ब्रेक करने की, तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड वीक है वो है CH और जो वीक है वही रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनाएगा. मतलब हम बीटा किसको ले लें, हम बीटा इसको ले लें. ठीक है, यहाँ से हम H प्लस को निकाल दें और ये आंसर इसका आ जाएगा, सॉरी CD3. और क्या आएगा यहाँ पर H2O, और क्या आएगा यहाँ पर KCl. ठीक है, तो दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पर अगर अपन देखें E2 रिएक्शन है, ये अल्फा हो सकता है, ये बीटा हो सकता है या ये भी बीटा हो सकता है. ठीक है, सो ऑफ दीज टू पॉसिबिलिटीज, अल्फा बीटा अगर अपन इसको लेते हैं तो ये अल्कीन बन जाएगा और दूसरा अल्कीन ये बन जाएगा. तो इसमें देखो अल्फा H2O4 6 8 है, ये रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और इसमें देखो 2 और +1 3 + 2 5 है, ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, लेस स्टेबल है. ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सेटजेफ अल्कीन और इसको बोलेंगे हम हॉफमैन अल्कीन. ओके, इसके बाद इसमें देखें अगेन NaNH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन फॉर E2, हाई टेम्परेचर है ही, गुड लिविंग ग्रुप है, टर्शियरी सबस्ट्रेट है. इसको अल्फा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, सो 3 डिग्री सबस्ट्रेट, स्ट्रॉन्ग बेस, हाई टेम्परेचर,
देर कैन बी टू प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन. राइट वाले को अगर मैं बीटा लेता हूँ तो ये आंसर आ जाएगा, और लेफ्ट वाले को अगर मैं बीटा लेता हूँ तो ये आंसर आ जाएगा. और मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें अल्फा एच है 3+3 6+2 8+2 10, अल्फा एच 10 एंड दिस इज सपोज टू बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज सपोज टू बी द माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, दिस इज अल्फा, लेट्स से दिस इज बीटा, लेट्स से दिस इज बीटा. तो अल्कोहलिक KOH के साथ हमने रिएक्शन कराई तो दो प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, ठीक है, एक ये मिल जाएगा और एक प्रोडक्ट ये मिल जाएगा. बट ये अल्कोहलिक KOH आपने लिया है तो ये रिएक्शन का क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा. ठीक है, और अगर आपने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिया तो यहां इस बीटा से H+ का एलिमिनेशन आसान है और इसलिए हॉफमैन एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला जो होगा रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा. ऑल्दो दिस इज मोर स्टेबल बट ये माइनर हो जाएगा बिकॉज बेस इज स्टेरिकली हिंडर्ड, तो उस कार्बन से H+ निकलेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है. ठीक है, ये बात है. अगेन अल्कोहलिक KOH रिएक्शन हम कराते हैं तो मैं मेजर की बात कर रहा हूं तो राइट से, माइनर की बात कर रहा हूं तो लेफ्ट से. ठीक है, तो दिस इज सपोज टू बी द माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज सपोज टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. आपसे टोटल प्रोडक्ट पूछे जाए तो तीन हो जाएंगे, एक 1-ब्यूटीन, एक ट्रांस 2-ब्यूटीन और एक सिस 2-ब्यूटीन. लेकिन ट्रांस वाला मेजर होगा, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में उल्लू बना देते हैं, ये ट्रांस वाला मेजर होगा, ये वाला कम परसेंटेज में बनेगा सिस. ठीक है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों ऑपोजिट साइड में, मिथाइल मिथाइल ऑपोजिट साइड में, इनमें मिथाइल मिथाइल में लेस रिपल्शन होगा और लेस रिपल्शन होगा तो ये मेजर होगा, ये माइनर में चला जाएगा. तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि टोटल कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, और टोटल प्रोडक्ट में आपको फिर 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन है तो उसका सिस फॉर्म भी है, ट्रांस फॉर्म भी है, दोनों आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा. बट अगर सिस और ट्रांस दोनों बन रहे हैं और सिर्फ सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, दोनों दे रखे हैं सिस भी ट्रांस भी, तो ट्रांस को मार्क करें, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस. ठीक है, इसलिए मैंने इसको मेजर लिखा है. और अगर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है तो आंसर फिर ये दीजिए आप. ठीक है, ये मेजर हो जाएगा बिकॉज दिस इज द हॉफमैन एल्कीन और ये स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है, पूरा गांव लेके चल रहा है, तो इस कार्बन से H निकालना आसान रहेगा क्योंकि उस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, वहीं से H+ निकलेगा. ठीक है, देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7. तो बेटा आप लोगों ने ये तो बना ही लिया होगा कि अल्कोहलिक KOH से जब रिएक्शन कराएंगे तो अल्फा और बीटा के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं अल्कीन. ठीक है, और NaNH2 ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर मुझे क्वेश्चंस को चेंज करना पड़ेगा, एक बार फिर से आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. ठीक है, मैं जेम डाइक्लोराइड दे रहा हूँ आपको, इसमें जेम डाइब्रोमाइड दे रहा हूँ और इसमें जेम डाइक्लोराइड दे रहा हूँ. ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, जेम डाइक्लोराइड्स हैं और आप एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए. ठीक है, ओके, तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, पॉज लेकर के, और स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले देखो, जेम डाइक्लोराइड अगर है तो ये अल्फा हो गया या बीटा हो गया फर्स्ट, और अगर ये अल्फा बीटा हो गया तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड. ठीक है, लेकिन अब क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो क्या होगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा ब्रेक होना, और ऐसे में वी नीड स्ट्रांग बेस NaNH2 टू कैरी आउट द रिएक्शन. इसको ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए अल्कोहलिक KOH लोगे तो काम नहीं चलेगा, अल्कोहलिक KOH इज ए वीक बेस वाइल NaNH2 इज ए स्ट्रॉन्गर बेस, तो आपको NaNH2 लेना पड़ेगा, और NaNH2 लेने पर यहां से चला जाएगा हाइड्रोजन और यहां से चला जाएगा हैलोजन एंड इट विल कन्वर्ट टू फॉर्म वॉट, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन. सो दिस इज अगेन डीहाइड्रोहैलोजनेशन, बट इन दिस केस बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग CH बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्ग CCl बॉन्ड वी नीड स्ट्रॉन्गर बेस
NaNH2 कैन डू द वर्क. NaNH2 से आप आगे रिएक्शन को ले जा सकते हो, अल्कोहलिक की OH लेकर के नहीं ले जा सकते. ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 8 में अगर अपन देखें, फिर से मैंने जो है जेम डाइक्लोराइड्स दे दिए. अब अगर मान लो कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इन दोनों के होना भी यही चाहिए, क्योंकि बीटा हम इसी को लेंगे क्योंकि तभी ये सेट्ज़े फल्किन बनाएगा. तो इन दोनों के बीच में, अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. बी आर यहाँ है ही, दिस इज ई टू रिएक्शन. फिर फर्दर रिएक्शन कराने के लिए वी नीड स्ट्रॉन्गर बेस, जो कि हमने लिया है एन एन एच टू, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, एक और बार बॉन्ड आ जाएगा. तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड और अल्काइन बन जाएगा. तो इस तरह से रिएक्शन होगी. तो अल्कोहलिक की वजह से आप रिएक्शन पहले करा सकते हो, लेकिन सब्सिक्वेंटली एन एन एच टू से ही करानी पड़ेगी. लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए एन एन एच टू शुरू में ही यूज कर लें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड तक अपने आप जा सकती है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में भी दिया हुआ है. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं 9 क्वेश्चन. तो देख पा रहा हूं मैं कि दो हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पर लगे हुए हैं. रिएक्शन हमने करा दी एन एन एच टू से, हीटिंग कर लिया, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया. तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा पहले डबल बॉन्ड, तो एक एन एन एच टू यूज हो गया. ठीक है, फिर एक बार और रिएक्शन करा दी, फिर से ई टू रिएक्शन हो गई, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और यहां पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड सी एच. ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई, अब एन एन एच टू से फिर से एक बार रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि ये टर्मिनल अल्काइन है, और टर्मिनल अल्काइन है तो यहाँ से एच प्लस निकाला जा सकता है. और ऐसा हम अगर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एंड अमोनिया गैस. अब ये बेस की तरह यहाँ से एच निकाल रहा है, और ए जो कंपाउंड में लिखूंगा, सबसे पहले एक्स की वैल्यू आएगी 3, 3 मोल कंज्यूम कर लिया एन एन एच टू के, और बना क्या लिया इसने, ये बना लिया. ठीक है, और ये अब एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक करके इसको हटाया जा सकता है, और ऐसे में हमें मिलेगा यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री इस तरह से. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हमें मिल रहा है दैट इज अल्काइन बट नॉन टर्मिनल अल्काइन. ठीक है, तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो तो है एलिमिनेशन डबल बॉन्ड लाने के लिए, दूसरा भी एलिमिनेशन है ई टू ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए, थर्ड स्टेप इज द एसिड बेस रिएक्शन ये एच निकालने के लिए, ये बन गया. और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे भी लिखते हैं जस्ट टू बैलेंस द चार्ज माइनस और प्लस, और फिर इस न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक करा के सी सी एच थ्री के साथ जोड़ दिया, सी एल को बाहर कर दिया. ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म विल बी एस एन टू. तो एक बार ई टू, एक और बार ई टू, मतलब दो बार ई टू, फिर एक एसिड बेस ए बन गया, फिर लास्ट स्टेप एस एन टू. ठीक है, देख लीजिए. ओके, जैसे हमने डिस्कस किए है जेम डाय क्लोराइड या जेम डाय ब्रोमाइड, वैसे अगर विसिनल भी दिए जाए, ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो सी एच टू सी एल सी एच सी एल सी एच थ्री. ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें, रिएक्शन हमने कराई अल्कोहलिक के ओ एच हीटिंग, ये बन गया, और एक ही रिएक्शन फिर हमने कराई एन एन एच टू हीटिंग. कुछ एक्सेस वेक्सेस में कुछ नहीं है, आपको बताना है कि बी क्या है. ओके, तो यहां पर अगर अपन देखें तो फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन हो जाएगी, पहले जो बेस है ओ एच माइनस, फर्स्ट स्टेप में यहां से एच प्लस निकाल लेगा, ये सिग्मा यहां आ जाएगा, ये बाहर हो जाएगा. ठीक है, और ऐसा होने पर इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा. ठीक है, तो ओ एच माइनस और एच प्लस ये तो बना लेंगे एच टू, सी एल माइनस लिविंग ग्रुप की तरह बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा. अब ये तो हो गया ए, अब इसकी रिएक्शन हमको करानी है किसके साथ,
इसकी रिएक्शन हमको करानी है NaNH2 के साथ। तो NaNH2 के साथ अगर हम कराते हैं तो क्या होगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा से एच चला जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड तो पहले ही है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ए जो कंपाउंड है इसमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, और बी जो कंपाउंड है इसमें कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये खास बात है, विसिनल से भी हम अल्काइन तक ले जा सकते हैं, जैसे कि हमने जेमिनल से बनाया था उसी तरीके से विसिनल से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। तो आज हमने E2 रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया, दैट इज बेसिकली डीहाइड्रोहैलोजनेशन हमने पढ़ा है आज। ठीक है, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में और हमें डिस्कस करना है। ठीक है, इसके अलावा और भी E2 एलिमिनेशन के एग्जांपल्स हैं, वो भी हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो E2 रिएक्शन थोड़ा समराइज कर दूँ, E2 रिएक्शन E1 की तरह नहीं है, इट इज़ ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, जबकि E1 में कार्ब केटायन बनता है तो मिनिमम 2 स्टेप्स तो E1 में होती ही हैं। E2 में कोई कार्ब केटायन नहीं बनता है, नो रीअरेंजमेंट, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर रिक्वायर्ड, इफ टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, बट इन केस इफ एस्टेरिकली हिंडर्ड बेस इज यूज्ड, हॉफमैन एल्कीन भी मेजर बन जाता है। ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंसिपिएंट एल्कीन, या जो भी पार्शियल एल्कीन बनता है, या काफ़ी सारे केसेस में हमने एल्कीन बना करके किया। ठीक है, और इस तरह की रिएक्शंस के लिए स्ट्रॉन्ग बेसिस रिक्वायर्ड होते हैं, और क्या क्या स्ट्रॉन्ग बेसिस हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो और आगे हम लोग इसके बारे में कंक्लूड करेंगे E2 रिएक्शंस को नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर जो चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं हैलोजन डेरिवेटिव से, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।